हेलो दोस्तों, टेक्निकल भाषा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे ओप्पो R17 सुपर वॉक चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा आपको सिर्फ 70 रुपये में, वो कैसे मिलेगा वही इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। तो चलिए ना वेस्ट टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू विजिटर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके टेक्निकल भाषा चैनल के फैमिली मेम्बर बनिए। दोस्तों, ओप्पो R17 प्रो जो लॉन्च हुआ था पिछले महीने में, दोस्तों इसमें आपको मिलता था सुपर वॉक चार्जिंग सपोर्ट। दोस्तों 25 मेगापिक्सल के ब्यूटी कैमरे के साथ आता था ये। क्वालकॉम का जो प्रोसेसर मिलता था 710 का, 8 GB रैम, 128 GB स्टोरेज के साथ आता था। इसमें आपको मिलता था अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। दोस्तों इसमें अल्ट्रा नाइट मोड भी मिलता था आपको। इसमें दो कलर मिलते थे आपको, ग्रीनिश और एक ब्लू पर्पल टाइप कलर मिलता था। दोस्तों इसकी जो प्राइसिंग थी 45 से 46 हज़ार रुपये के आसपास रखी गई थी, लेकिन दोस्तों ये आपको मिलेगा 70 रुपया भर कर। वो कैसे दोस्तों? दोस्तों आपको देश भर में कोई भी ऑफलाइन मार्केट में जाना है, ऑफलाइन स्टोर पर जाना है मोबाइल की, आपको वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 70 रुपया भर कर ये मोबाइल मिल जाएगा। दोस्तों इसके लिए आप के पास जो है बजाज कार्ड का होना ज़रूरी है। इसकी जो EMI आएगी आपको 6 महीने में भरना है। अगर आप फ्रेश लॉगिन करते हो बजाज कार्ड पर तो आपको ये 70 रुपये भर कर नहीं मिलेगा। अगर आप ओल्ड कार्ड यूज़र हो तो आपको ये मोबाइल 70 रुपया भर कर मिल जाएगा। इसकी जो EMI आएगी आप को 6 महीने में पेड करना है। दोस्तों याद रहे, नेक्स्ट मंथ आने वाले जो महीने में इसके साथ आपको कार चार्जर सपोर्ट भी मिलेगा, कार चार्जर भी मिलेगा इस मोबाइल के साथ। अगर आप लेना चाहते हो इस मोबाइल को 70 रुपये भर कर, तो आप 22 जनवरी यानी कल से स्टार्ट हो चुका है ये ऑफ़र, 31 जनवरी तक रहेगा ये ऑफ़र। इस ऑफ़र के बीच में आप जाकर ऑफलाइन मार्केट से 70 रुपया भर कर निकाल सकते हो। दोस्तों इसके लिए बजाज कार्ड का आपके पास होना ज़रूरी है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों बेल आइकॉन ज़रूर दबाए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखिए। ओके, जय हिंद।